अगर बीजेपी से नाराजगी वाले मुसलमान हैं, तो उसके काम से खुश होने वाले भी हैं। जौनपुर के मुस्लिम बहुल इलाके में लोकतंत्र की सही तस्वीर हमें दिख रही थी, जहां विरोध और समर्थन साथ साथ था। ऐसा नहीं है, ये जौनपुर है, यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं चलता। यहाँ आपने काम किया तो उसका काम का आपको असर मिलेगा, फायदा। काम नहीं हुआ। गिरीश चंद्र यादव ने बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें, विकास की जहाँ बात है, विकास भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और कर भी रही है। जितनी भी योजनाएं हैं, आज जो भी योजनाएं चल रही हैं प्रदेश से लेकर, काहे नहीं मिली योजना? क्यों नहीं योजना मिली? योजना, ये योजना आप देखिए ना, आप बगल में मुफ्ती मोहल्ले में चले आइए, सैकड़ों आवास मिला है। आप बगल में पुरानी बाजार चले जाइए, सैकड़ों आवाज मिला है। ये आवाज आप क्या लीजिएगा गरीब? क्यों नहीं मिला? आप मुसलमानों की बात जब यहाँ पे बात आती है, लेकिन जो देखिए, आप इतने सारे लोग थे, उनका ये कहना है कि जो बयान आते हैं ना, वो दिल दुखाते हैं। नहीं नहीं, बयान देखिए, बयान आते नहीं है, बयान ऐसा नहीं कि बयान आते दिल दुखाने वाली बयान है। मोदी जी ने कोई बयान बोला? मोदी जी तो नहीं बोला कभी कोई बात, मोदी जी ने तो कभी कुछ नहीं बोला, गलत आरोप है। अब विकास की बात है, गिरीश चंद्र यादव जी ने कोविड काल में जो 2 साल का कोविड काल था, 2 साल के कोविड काल में जब उन्होंने अपना क्या होते हैं कि राशन वो बटवाया, लंच पैकेट बटवाया, सुबह 2 टाइम का लगातार लंच पैकेट बटा हर मोहल्ले में, हर गरीब बस्ती में, चाहे वो मुसलमान रहा हो चाहे हिंदू रहा हो, वो हर तो आपको गरीब तो है नहीं, आप गरीब थोड़ो हैं। जिसको जरूरत है उसको मिलेगा, जिसको जरूरत है उसको मिलेगा, समझ गए? और उसके बाद में राशन मिला, लगातार राशन मिलता चला गया, राशन मिलता चला गया। गिरीश चंद्र यादव जी लगातार विकास करते रहे, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने लगे। वो रोड इतना खराब था, 2-2 घंटे में लोग पहुंचते थे, लेकिन आज रोड बनने के बाद में आधे घंटे में लोग पहुंच जाते हैं कुठान। यही सागंज पहुंचने में 2-2 घंटा लग जाता था। ये बताइए, ये देखिए, अभी हमने कई लोगों से बात की, आपसे भी की, ये इशू बता रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, आप लोग वो बयान बता रहे हैं, वो इशू पे बात क्यों नहीं करते? देखिए, क्या लोकल, नहीं नहीं, इनकी बात छोड़िए, आप अपनी बात बताइए, आप ये बताइए कि मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बता दें, हम लोग को क्या चाहिए? सिलेंडर जो है, जो 1000 में बिक रहा है, वो 500 में हो जाए। सरसों का तेल जो 250 रुपए में है, वो 100-125 में हो जाए। यही मेन मुद्दा है भाई, हम लोग को आवास। अब हमारे पास आवास है, हम आवास लेके क्या करेंगे? हमारे पास घर है, मगर तेल अगर से 150-150 में बिकेगा तो हमको फायदा मिलेगा ना। जिस वक्त एक मुस्लिम शख्स बीजेपी के विकास कार्यों को बता रहा था, उसी वक्त कुछ मुसलमान उसका विरोध करने लगे। बहस गर्मा गर्म हो रही थी। बिल्कुल गंदी सियासत हो रही है, और जब से